बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना एजुकेशनल सिस्टम के व्यूवर्स को खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको, आपके वालदैन को सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। डे व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 12th की पेयरिंग स्कीम के हवाले से। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो काइंडली चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो केमिस्ट्री 12th की पेयरिंग स्कीम के हवाले से बहुत सी कन्फ्यूजन्स भी हैं, और पंजाब के तमाम बोर्ड्स में पेयरिंग स्कीम के हवाले से कुछ अहम तब्दीलियां की गई हैं, जो हम इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पेयरिंग स्कीम के हवाले से आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो सके, और इसी पेयरिंग स्कीम को फॉलो करके आप अपने केमिस्ट्री 12th के पेपर की तैयारी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही आपका पेपर बनाया जाएगा। पेपर पैटर्न के हवाले से भी पंजाब बोर्ड में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, वो तब्दीलियां जो हैं वो भी आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पैटर्न में भी तब्दीलियों का पता चल सके। तो चलिए बात करते हैं पेयरिंग स्कीम के हवाले से। केमिस्ट्री 12th की पेयरिंग स्कीम में क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं, किन चैप्टर से एमसीक्यूज और किन चैप्टर से लॉन्ग और शॉर्ट आएंगे, ये तमाम हम इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज, शॉर्ट और लॉन्ग आएंगे। तो ये हम देखें तो हमारे पास ये एमसीक्यूज की लिस्ट है, जिसको आप बखूबी देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 16 के अलावा बाकी तमाम चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज है, और चैप्टर नंबर 16 से दो एमसीक्यू है। अब एमसीक्यूज की तैयारी आपने कहाँ से करनी है, तो सबसे पहले आप फोकस करें केमिस्ट्री 12th की जो बुक के एक्सरसाइज में एमसीक्यूज आपको गिवन है, आप उन एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से कर लें, तो आपका एमसीक्यूज का जो इशू है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आप पास्ट पेपर्स जो हैं वो आपके जो बोर्ड्स के हैं वो भी उनमें आने वाले एमसीक्यूज को आप रिवाइज करें, और अगर आपको पास्ट पेपर्स के हवाले से इशू है तो उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। 12th केमिस्ट्री के पास्ट पेपर के नाम से वीडियो है, आप वो भी चैनल पर देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास पहले 7 चैप्टर से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और इसी तरह चैप्टर नंबर 14 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और बाकी चैप्टर नंबर 13 से हमारे पास 12 से एक शॉर्ट है, और बाकी सबसे दो दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में बात करें तो पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन का ए या बी पार्ट आएगा, और इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक हमारे पास जो है वो लॉन्ग की पेयरिंग में हमारे पास चैप्टर्स हैं। बाकी चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और 14, 15, 16 और 13 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस साल लॉन्ग क्वेश्चन में भी कुछ तब्दीलियां की गई हैं। अब हम देखते हैं कि किन किन चैप्टर्स को कंबाइन करके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बनेंगे। तो वहाँ देखें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है, और वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे और 15वें चैप्टर से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास 15वें चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज आप बुक के एक्सरसाइज वाला करें, और अगर आप इसको शॉर्ट के हवाले से छोड़ भी दें तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे से पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास 5वां, 7वां, 8वां, 10वां और 14वां चैप्टर हैं। इसमें भी अगर आप चैप्टर नंबर 14 को छोड़ दें तब भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो विदाउट चॉइस पूरे हो जाएंगे, और बेहतर यही है कि आप इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन भी आप कोशिश करें कि एक्सरसाइज में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो इसमें 9, 11, 12 और 13, 16 से आपके क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस साल जो है पेयरिंग में
तब्दीली की गई है कि क्वेश्चन नंबर 5 पहले आता था पहले और दूसरे चैप्टर से, और चैप्टर नंबर 6 को 16 चैप्टर से जोड़ा जाता था, लेकिन इस साल उन्होंने पेयरिंग में तब्दीली करके, ये बहुत अहम तब्दीली है कि उन्होंने पहले चैप्टर को तीसरे चैप्टर से जोड़ा हुआ है और दूसरे को छठे चैप्टर से। आपको पता है कि पहले 6 चैप्टर जो हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के वो इनऑर्गेनिक के हैं, तो आप देख लें अगर आप ये 7वां 8वां 9वां 10वां और 12वां या फिर आप 9वां 11वां ये आसान चैप्टर हैं और 7वें और 10वें को कर लें तो, और पहले और तीसरे को कर लें तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 9वें और 11वें में ये छोटे चैप्टर हैं, लेंथी नहीं है। 7वां और 10वां ये भी आसान है, पहला और तीसरा आसान चैप्टर हैं। 8वें और 12वें चैप्टर ये दोनों लेंथी चैप्टर हैं और इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो कन्वर्जन्स आती हैं कि आप मीथेन से कुछ एसिड बना दें या कुछ भी इस तरह की कन्वर्जन्स आ जाती हैं, इस वजह से आप अगर इसको स्किप भी कर दें तो तब भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं इनऑर्गेनिक ना करूँ लॉन्ग के हवाले से, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक का ये वाला हिस्सा कर ले, 7 से लेकर 12 तक जो चैप्टर हैं वो कर लें तो उसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो ये चॉइस आपकी है, आपने किस लिहाज से अपनी तैयारी रखी है तो आप उसी लिहाज से अपने लॉन्ग क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है कुछ अहम बातें हैं, तो पहली बात तो ये कि जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो 8 नंबर के होते हैं और मुख्तसर सवाल जो यानी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर के, जबकि मारूजी जो है वो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के हवाले से इस साल बोर्ड की जो हदायत हैं उनमें ये है कि प्रैक्टिकल जो सवालात हैं वो सिर्फ सेकेंड ईयर से होंगे, फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस नहीं होंगे। एंड में हमारी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मदीना एजुकेशनल सिस्टम को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको तमाम एजुकेशनल न्यूज़ परफेक्ट सोर्स से, आपको ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलेंगी। इसके अलावा बोर्ड की स्कीम और जो एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं इस हवाले से जो हेल्पिंग मटेरियल है जिनमें शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो तो आप मदीना एजुकेशनल सिस्टम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर ये स्क्रीन पर है, आप इस नंबर को भी, इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप कर जो है इन नोट्स या फिर एमसीक्यूज़ जो भी आपको हेल्पिंग मटेरियल दिया जाए आप उसकी हार्ड कॉपी भी हासिल कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।